फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि अगर निमोनिया है और आपको कोविड हो गया है, या फिर आपको पहले से निमोनिया है, या फिर ऐसा कोई हिस्ट्री है कि आपके घर में किसी को निमोनिया हुआ हो, या किसी छोटे बच्चों को, या फिर किसी बड़े बूढ़ों को भी निमोनिया हुआ हो, और तो उनको अंदर कितना अधिक चांसेस हो सकता है कि उनको कोविड से खतरा हो सकता है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं कि कोविड निमोनिया क्या होता है और उससे कोविड से क्या लेना देना है। तो इस वीडियो में डिटेल में हम बात करने जा रहे हैं कि निमोनिया और कोविड से आपस में इंटरकनेक्शन क्या होता है। उससे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि निमोनिया के लक्षण क्या होते हैं, क्योंकि अगर आप घर पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ये लक्षण को महसूस कर सकते हैं, या फिर अगर ये आपको हुआ है या फिर आपके रिलेटिव में किसी को हुआ है तो इस वीडियो को आप उनको फॉरवर्ड भी या फिर शेयर भी कर सकते हैं। तो मैं लक्षण आपको सबसे पहले बताने जा रहा हूँ कि इसके साइन सिम्टम क्या मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, निमोनिया के अंदर सबसे पहले आपको प्रोडक्टिव या फिर ड्राई कफ वगैरह भी मिल सकता है, यानी ऐसा कफ जो कि सिंपल भाषा में मैं इसे कह सकता हूँ कि आपको सूखी खांसी आ सकता है, या फिर ऐसी खांसी जिसके अंदर भी आपको बलगम, मुंह से बलगम भी निकल सकता है। कभी कभी लॉन्ग टर्म्स हो जाता है, यानी आपको लगातार बलगम भी निकल रहा है और जो खांसी है वो आपका 1 वीक से बढ़ चुका है, तो उसके अंदर छोटे छोटे ब्लड वगैरह भी आ सकते हैं, उसको हीमोप्टिसिस कहते हैं। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है कि अगर बलगम में खून आ रहा है तो क्या करें, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको डिटेल जानकारी, सही जानकारी देने जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं, इसमें फ्रेंड ब्रेथलेसनेस होना शुरू हो जाता है, यानी सांस लगेगा कि ऑक्सीजन की मात्रा घट चुकी इन्वायरमेंट में, और पेशेंट जो है ऑक्सीजन लेने के लिए हंग्री हो जाता है, यानी वो मुंह खोल करके उसको अजीब सा घबराहट होना शुरू हो जाएगा। उसके अंदर बॉडी के अंदर अगर आप ऑक्सीमीटर लगाएंगे कि उसके अंदर देखेंगे कि इसके अंदर परसेंटेज कितना है, अगर 94 से कम हो रहा है तो क्या करना है। ऐसे पेशेंट के अंदर प्लेटलेट काउंट जो है वो घटना शुरू हो जाता है, इसको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी बोलते हैं। साथ में फ्रेंड्स, इसके अंदर आपको चेस्ट पेन यानी सीने में हल्का हल्का दर्द वगैरह महसूस होना शुरू हो जाएगा, आपको लगेगा कि आपका जो चेस्ट है बहुत ज़्यादा भारी है। आपको फीवर भी बन सकता है जो कि आपका लगभग 39 से लेकर के 40 डिग्री तक फीवर आपको देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ आपको जोड़ों में दर्द हो गया, आपको कहनों में हो गया, नी में हो गया, आपके कमर में, पूरे बदन के अंदर दर्द वगैरह, मेलेसिस्टिट्यूड वगैरह है, या फिर मैल एल्जिया वगैरह, ये सब है, ये सब होना महसूस हो जाएगा। आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा पूरे बॉडी में दर्द हो रहा है। तो अब हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि असल में इसके पीछे कारण क्या होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो भी आपके अंदर के ट्रक्स वगैरह गए होते हैं उसके अंदर इन्फ्लामेशन होना ही यही निमोनिया मैंने आपको करता है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर क्या देखा गया है कि जो बैक्टीरिया है, खासकर जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या फिर माइको प्लाज्मा वगैरह भी हो गया है निमोनिया, या फिर स्ट्रेप्टोकोकस ऑरिसस वगैरह हो गए हैं, ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा होते हैं वो जाकर के अंदर इरिटेशन वगैरह कॉज करना शुरू कर देते हैं, लाइक ए ट्रैक्स के अंदर, या फिर छोटे छोटे जो ब्रोंकियल ट्रैक्स गए होते हैं उसके अंदर ये जाकर के इन्फ्लामेशन वगैरह प्रोड्यूस करना है, या फिर म्यूकस सेल का हाइपरप्लासिया वगैरह है, गोब्लेट सेल का हाइपरप्लेसिया शुरू करते हैं, जिसकी वजह से म्यूकस वगैरह फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। धीरे धीरे वो उसका एक्टिविटी निमोनिया का बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से कि आपका जो एलोलाइज के अंदर म्यूकस वगैरह, डेब्रिस वगैरह जितने भी है, मैक्रोफेजेज वगैरह, बी सेल, टी सेल्स वगैरह, ये सब जमा होना शुरू हो जाते हैं। तो ये स्थिति बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। ये क्या होता है कि आपका जो एलोलाई है उससे ही आपका ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है बॉडी के अंदर, उसके अंदर ही अगर जा करके ये जमा हो जाते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल आपके बॉडी में घटना शुरू हो जाता है। ये कंडीशन ही कोविड के पेशेंट का जान लेने के पीछे कारण हो जाती है। तो इसलिए फ्रेंड्स, अब मैं इसका इन्वेस्टिगेशन आपको बताने जा रहा हूँ कि इसमें कौन सा जांच हो सकता है, और लास्ट में मैं बात करने जा रहा हूँ कि इसका मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है। तो अगर आपके अंदर कोई ऑटो इम्यून डिजीज, या फिर आप स्टेरॉइड्स के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर चुके हैं, या फिर फ्रेंड्स अगर आपको CKD यानी क्रोनिक किडनी डिजीज, या फिर डायबिटिक मेलाइटस है, या फिर इम्यूनोकम्प्रोमाइज वगैरह, ऐसे मेडिसिन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर फ्रेंड्स आप सिगरेट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर आपको पहले से अस्थमा, या फिर आपको COPD यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, या फिर ब्रोंकोएटाइटिस है, या ब्रोंकोलेथियासिस वगैरह, अगर ये सब है या ब्रोंकोएटाइटिस वगैरह है, तो कहीं ना कहीं आपको चांसेस, अगर HIV/AIDS वगैरह है तो आपको चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपको निमोनिया विद कोविड भी हो सकता है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन क्या कराया जा सकता है। फ्रेंड्स, इसके अंदर सबसे पहले तो चेस्ट का एक्सरे हो गया, या फिर CT स्कैन हो गया, वो करवाया जाता है।
पल्मरी फंक्शन टेस्ट वगैरह करवाया जा सकता है। WBC का काउंट बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसके लिए हम लोग FBC यानी फुल ब्लड काउंट वगैरह भी करा सकते हैं, ब्लड कल्चर करवा सकते हैं, स्पूटम जो आ रहा है उसका कल्चर करवाया जा सकता है, या फिर आपके बॉडी के अंदर एल्बुमिन वगैरह की मात्रा देखा जा रहा है कि ये कितना है, 35 ग्राम पर लीटर से कम हो गया या फिर उससे ज़्यादा है। हम लोग इसमें लास्ट में हम लोग ब्लड कल्चर वगैरह भी करा सकते हैं। इसमें ABG यानी अर्टिया ब्लड गैस जो होता है उसका हम लोग कंसंट्रेशन देख सकते हैं कि आपके बॉडी में CO2 बढ़ गया है या फिर ऑक्सीजन का लेवल घट गया है। ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल करके हम लोग देखते हैं कि 94% से ऑक्सीजन आपका बॉडी में कम हो रहा है, 80 आ गया या फिर 75 जा रहा है या 60 तक जा रहा है, क्या होता है। अब फ्रेंड्स हम लोग इसमें ये भी है, यूरिया इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस वगैरह है, कन्फ्यूजन वगैरह इसके वजह से भी बॉडी के अंदर, तो ये सब जांच हम लोग बहुत ज़्यादा, या CRP है, RT-PCR अब तो चल गया कोविड के वजह से, डॉक्टर जाते ही आपको लिख रहे हैं कि जाओ भाई RT-PCR कराओ या फिर चेस्ट का एक्सरे करा के लाओ, तो ये आपको सबसे पहले लिखा जा रहा होगा इस वक्त या फिर भविष्य में भी लिखा जाएगा। तो ये सब तमाम प्रकार के ऐसे इन्वेस्टिगेशन या डायग्नोसिस है जो कि आप के डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। बात करने जा रहे हैं इसका मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट क्या है, तो फ्रेंड इसके अंदर म्यूकोलाइटिक्स वगैरह चलते हैं जो कि म्यूकस को ख़त्म कर दे, उसको सप्रेस कर दे, और साथ में इसमें डायलेटर्स वगैरह भी चलते हैं जैसे सालबुटामॉल हो गया, टर्बुटालिन वगैरह है, या फिर इसमें हम लोग थियोफाइलिन वगैरह का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें कुछ स्टेरॉइड्स वगैरह का भी बहुत ज़्यादा केसीर हो रहा है तब किया जा सकता है। फ्रेंड्स इसके अंदर अगर आपका स्कोर बहुत ज़्यादा यानी 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इसमें एमॉक्सिलिन वगैरह है, एम्प्लिसिलिन वगैरह है, या फिर सेफ्टिएक्जॉन के इंजेक्शन वगैरह 6 दिन के लिए 1.5 से 2 ग्राम के डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि सुबह से हम आपको सेफ्टिएक्जॉन का इंजेक्शन, अबाउट कंपनियां बहुत प्रकार की कंपनियां आती हैं तो उनके आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि आपको इंजेक्शन लेना होगा 5 से 6 दिन के लिए। साथ में फ्रेंड्स अगर आपका और ज़्यादा सीवियरिटी हो सकता है तो इसमें सेफ्टिएक्जॉन के साथ साथ इसमें पेनिसिलिन वगैरह के इंजेक्शन भी चलाए जा सकते हैं। तो ये इसी प्रकार आपका ये मेजरमेंट आपके डॉक्टर फिजिशियन आपको कर सकते हैं। तो अपने फिजिशियन के पास जितना जल्दी हो सके बाई फोन या फिर बाई फिजिकली वहाँ पे अपीयर हो और जा करके अपना इलाज जितना जल्दी हो सके तुरंत करवाए, क्योंकि ये डिजीज बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। इसमें अगर आपको है तो बहुत ज़्यादा है तब जा करके इनहेलर्स वगैरह का इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी आपको जो भाप वगैरह है वो दिया जा सकता है, उसके उसमें स्टेरॉइड्स वगैरह होते हैं, उसमें डायलेटर्स वगैरह होते हैं, जा करके आपके लोलाई वगैरह को ओपन करने का काम कर सकते हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह भी आते हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो को शेयर करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब अभी का अभी कर ले। तब तक मैं नए वीडियो के साथ फिर से हाजिर होता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।